हेलो स्टूडेंट, आपके सामने क्लास 10th वाले जो स्टूडेंट है ना, वो आज फिर देख लें ये आपका जो मैंने वीडियो भी बनाया हूँ हिंदी साहित्य के विकास से रिलेटेड। जो आपका क्वेश्चन आएगा ओएमआर शीट आपकी जो आएगी, आपको ओएमआर शीट मिलने वाली है कितने अंकों की? 20 अंकों की। तो ओएमआर शीट जो मिलने वाली है वो 20 अंकों की ना, तो उसमें आपको क्या बताना पड़ेगा, ये 10 क्वेश्चन आपका आएगा। देखिए उसमें आपके कितने क्वेश्चन होते हैं, यानी टोटल आपके उसमें से 20 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन हो? 20। 20 में से अगर आप देखेंगे तो 10 आपका आने वाला है कहाँ से? 10 आपका आने वाला है आपका हिंदी साहित्य के विकास रचना से रिलेटेड, आपका 10 ये आ जाएगा। और 10 आपका आएगा आपका व्याकरण से रिलेटेड। व्याकरण वाली वीडियो जो है मैं बना चुका हूँ, व्याकरण वाली वीडियो जो है मैं बना चुका हूँ। अगर नहीं देखे हैं तो आप जरूर देख लीजिएगा व्याकरण वाली वीडियो। जो व्याकरण वीडियो है वो आपको मिलेगी पार्ट 1 के नाम से। व्याकरण वाली वीडियो आपको मिल चुकी है, ठीक है? व्याकरण की वीडियो जो है आपको पार्ट 1 के नाम से मिल जाएगी। उसमें आपको 10 अंक पक्का मिल जाएंगे, एकदम कोई संख्या नहीं है, कोई संख्या नहीं है। आप उसको पूरा देख लीजिए, 10 अंक बाकी रहेंगे पार्ट 1 के नाम से। अभी इन स्क्रीन पर नहीं, आई बटन पे आपको देखते रहिएगा, इन स्क्रीन पर लास्ट में मिल जाएगा। ओके, चलिए शॉर्टकट में इसको हम समझाते हैं, इसका हिंदी साहित्य का विकास को हम समझते हैं कब से कब तक था, उसके बाद इसमें की रचनाएं, सभी लेखक की रचनाएं भी बताएंगे। टोटल वीडियो देखिएगा, 10 अंक यहाँ से लेना है, 10 अंक वहां से, टोटल 20 अंक आपको पाना है। तो 20 अंक कैसे पाएंगे वो चीजें हम आपको यहाँ पर बताने चल रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहले देखिए हिंदी साहित्य के विकास के बारे में एक नजर हम पूरा डालते हैं। तो ये देखिए, अगर हम इसमें जो हमारा हिंदी साहित्य है उसको 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है, 3 प्रकार से, मतलब एक रामचंद्र शुक्ल जी हैं, और एक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, और एक आपके आदर्श वर्गीकरण है। तो इन वर्गीकरणों का यूजेज जो है उनके आधार पर देख रहे हैं, ठीक है? तो हमको वही चीज समझना है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल जो है इनका काल जो है यहाँ से शुरू होता है, 1050 से लेकर के 1375 तक इनका शुरू होता है। हजारी प्रसाद का जो गिनते थे ये 10वीं 14वीं 11वीं 12वीं ऐसे शताब्दी में गिनते थे, हजारी प्रसाद शताब्दी में गिनते थे। और ये जो गिनते आदर्श वर्गीकरण जो होता है ये 1000 से माना जाता है और 1350 यहाँ से आपका माना जाता है। तो हमें आदर्श वर्गीकरण को याद करके चलना है, और ये अगर याद कर लिया आपने इसी के आधार पर हम सभी को मान के चलिए, आदर्श वर्गीकरण आपको याद करना है, ठीक है? सबसे पहले कौन सा काल आता है हमारा? आदिकाल आता है। कौन सा काल आता है? आदिकाल। तो आदिकाल जो आता है ना, आदिकाल में हमारा आदिकाल को ही हम वीरगाथा काल कहते हैं। कौन सा काल कहते हैं? वीरगाथा काल। तो आदिकाल में हमारा कुल मिलाकर के इसमें बहुत सारे जो पार्टीशन हुए थे उनको हम ना मान के समझते हैं। तो ये काल जो है आदिकाल हमारा चलता है 1000 से लेकर के 1350 तक, 1000 से लेकर के 1350 तक, जो कि 350 वर्ष चलता है। कितने वर्ष चलेगा? 350 वर्ष तक ये चलने वाला है। बाकी आपका आता है उसके बाद मध्यकाल। मध्यकाल में 2 काल होता है, एक पूर्व मध्यकाल होता है, एक उत्तर मध्यकाल होता है। पूर्व मध्यकाल को हम भक्ति काल के नाम से जानते हैं, उत्तर मध्यकाल को हम रीति काल के नाम से जानते हैं। ये याद हो गया ना? अब हम चलते हैं पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल। भक्ति काल जो है 2 पार्टीशन में डिवाइड होता है, एक होता है सगुण भक्ति, दूसरा होता है निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में यानी रामाश्रय शाखा यानी राम भक्ति धारा, और कृष्ण जो कृष्णाश्रय शाखा होती है वो कृष्ण भक्ति धारा। मतलब आपका भक्ति काल 2 प्रकार का भक्ति काल, पूर्व मध्य काल को भक्ति काल बोलते हैं, और भक्ति काल कितने इसका डिवाइड होता है 2, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में जो आ जाते हैं आपका राम भक्ति वाले, कृष्ण भक्ति वाले, और निर्गुण भक्ति में आ जाते हैं ज्ञानाश्रय यानी संत काव्य और सूफी काव्य, 2 वाले आपका इसमें आ जाते हैं। इसके बाद आता है उत्तर मध्य काल। उत्तर मध्य काल को बोलते हैं रीत काल। रीत काल को हम पार्टीशन करते हैं, रीत बद्ध कवि, रीत सिद्ध कवि, रीत मुक्त। रीत बद्ध होंगे, उसके बाद रीत सिद्धि होंगे, उसके बाद रीत से मुक्त होंगे। तो 3 काल इसमें हो जाते हैं रीत काल में। अंतिम काल जो आता है आपका आधुनिक काल। आधुनिक काल में बहुत सारे पार्टीशन होते हैं, इसी को हम गद्य काल बोलते हैं। कौन सा काल बोलते हैं? इसको हम गद्य काल बोलते हैं। मध्य काल का जो काल होता है ये 500 वर्ष चलेगा, याद रखना है 500 वर्ष चलेगा, और ये 1350 से लेकर के 1850 तक चलेगा। और जो कि पहले 300 वर्ष चलेगा आपका भक्ति काल यानी 1350 से 1650 तक, उसके बाद आपका चलना है 1650 से 1850 तक। अगर आपको न दिखाई दे तो थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर छोटा कर देता हूँ, ठीक है? देखिएगा, अब आपको देख लीजिएगा दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पर दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा। देखिए ये जो दिख रहा है यहाँ पर आपका, ये टोटल यहाँ पर ये है 1350 से लेकर के 1850, मतलब 500 वर्ष चला है। 500 वर्ष में पहले 200 वर्ष, फिर उसके बाद पहले 300 वर्ष, फिर उसके बाद 200 वर्ष। 300 वर्ष कौन चलेगा? भक्ति काल चलेगा, जिसका आपका 1350 से अगर स्टार्ट करेंगे, 1350 में तीन जोड़ेंगे तो पता है कि 1350 में 200 वर्ष जोड़ेंगे तो हम क्या हो जाए 1650। तो इस तरीके से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल चल रहा है 1850 से लेकर के अब तक चल रहा है, जिसमें बहुत सारे काल हैं। आपका सबसे पहले आ जाता है भारतेंदु युग, जिसको बोलते हैं पुनर्जागरण काल, नवजागरण काल,
पुनर्जागरण का, नवजागरण का, इसको भारतीय युग ने यहाँ से चल। अब यहाँ जाता है द्विवेदी युग, दूसरा का कौन सा आता है द्विवेदी युग, 1850 से चल रहा है 1900 तक, कहाँ से 1850 से 1900 तक चल रहा है, ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, अब दिखाई दे रहा है ना, हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसको ऊपर कर दें, आप देख रहा होगा, तो यहाँ पर देखिए द्विवेदी युग जो है जागरण सुधार काल, पहले नवजागरण काल, पुनर्जागरण काल जिसको भारतेंदु युग बोलते हैं, उसके बाद आ जाता है द्विवेदी युग, द्विवेदी युग को बोलते हैं जागरण काल, इसका सन होता है 1900 से लेकर 1920 तक, केवल 20 वर्ष ये चला था, 1850 से 85, ये 50 वर्ष भारतेंदु युग, 50 वर्ष ये चला आपका, 20 वर्ष, उसके बाद आपका 1920 से 1936 चला, ये वो चला है आपका कितना, 16 वर्ष, कितना वर्ष, 16 वर्ष। तो ये छायावादी युग, इसी को हम शुक्ल युग के नाम से जानते हैं, छायावादी युग को हम शुक्ल युग के नाम से जानते हैं, और छायावादी युग जैसे ही उतरने लगे तो इसको हम छायावादोत्तर युग बोलेंगे, और शुक्ल युग यानी उतरने लगेगा तो इसको हम शुक्लोत्तर युग बोलेंगे, इसके बाद जो कि 1936 से स्टार्ट होगा अब तक चलेगा, ठीक है, तो ये अभी तक चल रहा है। अब इसमें छायावादोत्तर युग नहीं शुक्लोत्तर युग में इसमें हम अलग पार्टीशन होंगे, जो तीन पार्टीशन होते हैं, एक प्रगतवादी काल, एक प्रयोगवादी काल, एक नवलेखन काल। प्रगतवादी काल जो 1936 से चलेगा 1943 तक, 1936 से चलेगा 1943, मतलब आपका ये चलने वाला है 7 वर्ष, कितने वर्ष, 7 वर्ष, ठीक है, ये 7 वर्ष हो गए। उसके बाद 1943 से चलेगा 1953, ये चलेगा आपका 10 वर्ष, कितने चलेगा, 10 वर्ष, 10 वर्ष के बाद आपका जो अब तक चल रहा है 1953 से चल रहा है अब तक, ये क्या चलेगा, अब तक। तो ये आपका मोटा मोटा हिसाब आपका हो गया कालों का समूह। अब हम चलते हैं लेखकों पर पहुंचते हैं, कहाँ पर पहुंचते हैं, लेखकों पर पहुंचते हैं, ठीक है, तो आपको चलिए लेखक पर पहुंच गए हैं, लेखक हमारा कौन सा है, सबसे पहले हम इसको पीछे करते हैं, उसके बाद लेखक पे चलते हैं। देखिए यहाँ से लेखक ये है आपका, ठीक है, गद्य खंड के लेखक हैं, इसमें गद्य खंड वाले, कक्षा 10 वाले जरूर देखिएगा पूरी तरीके। पहले है रामचंद्र शुक्ल, कौन सा है, रामचंद्र शुक्ल, इनका जन्म जो हुआ था, जीवन परिचय भी यहाँ से लर्न कर सकते हैं, जीवन परिचय गोना बस्ती उत्तर प्रदेश में, ये शुक्ल युग के हैं, कौन से हैं, शुक्ल युग के हैं, और इनका संक्षिप्त परिचय यहाँ पर दिया, पिता चंद्रबली शुक्ल मिर्जापुर मिशन स्कूल, और ये इन कौन से कविता कहानी लिखे थे, कविता लिखे थे, नाटक निबंध, इसी तरीके सभी का दिया गया है, पढ़ सकते हैं। भाषा इनकी कौन सी थी, खड़ी बोली थी, अंग्रेजी उर्दू फारसी थी, और शैली की विवेचना आलोचनात्मक गवेषणात्मक भावात्मक हास्य व्यंग्यात्मक तुलनात्मक थी। प्रमुख रचना पर ध्यान देना है, इतनी रचना इनको ध्यान देना, आचरण संलग्न रचना क्या है, चिंतामणि विचार भी थी, तो चिंतामणि आप याद कर लीजिएगा, रश्मिमांसा और आपका इनका सूरदास, ये याद कर लेना, तीन रचना इनकी फेमस है रामचंद्र शुक्ल की, जरूर याद कर लेना, ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास है। आ जाते हैं जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जो है इनका जन्म आपका इसमें हुआ, काशी में, छायावादी युग शुक्ल युग के ये हैं, और इनके पिता बाबू देवी प्रसाद है, सुगनी साहू परिवार में हुआ था, अंग्रेजी संस्कृत उर्दू फारसी भाषाओं का ज्ञान था, और इस तरीके से ये कवि चतुष्टयी में इनका नाम आता है, चतुष्टयी जो चार कवि होते हैं उनमें से इनका नाम आता है छायावादी में, और इनकी भाषा जो थी खड़ी बोली संस्कृत असम शब्दों का प्रयोग करके बनाए थे। इसके बाद इसमें इनका जो शैली थी कुछ भावात्मक और चित्रात्मक, सूत्र संवाद विचारात्मक थी। इनकी रचना जो है याद करना है, चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त दोनों गुप्त हो गए, अजात शत्रु, धूप सामनी, इंद्रजाल, आकाशदीप, कंकाल, तितली, झरना और कामायनी लहर आंसू, कामायनी लहर आंसू और ध्रुव सामनी जरूर याद कर लेना, ये बहुत ही आपका पूछा जाता है। राजेंद्र प्रसाद आते हैं अगला, राजेंद्र प्रसाद जो है इनका जन्म आपका यहाँ से यहाँ तक हुआ था, 84 से 63 के बीच में, महादेव सहाय थे, और इन्हें LLB परीक्षा MA किया था, कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील भी थे, अखिल भारतीय कांग्रेस 3 बार सभापति रहे, भारत रत्न की उपाधि भी इनको मिली है राजेंद्र प्रसाद को, और ये सरल सुबोध खड़ी बोली की और फारसी का प्रयोग करते थे, शैली इनकी साहित्यिक शैली थी, और इनकी जो रचना थी वो थी भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, साहित्यिक शिक्षा और संस्कृत, मेरी आत्मकथा, ये बहुत पूछी जाती है मेरी आत्मकथा, और चंपारण महात्मा गांधी मेरी रूप के अनुभव, ये था डॉक्टर राजेंद्र। इसके बाद आता है भगवत सर उपाध्याय, भगवत सर उपाध्याय का जो है ये है इनका हमारा कौन सा है, ये हमारा 1910 से 82 के बीच में, ग्राम इनका उजियारपुर था, बलिया, छायावादोत्तर युग के थे ये, और MA इन्होंने भी किया था, प्रयाग लखनऊ में संग्रहण में अध्यक्ष रहे थे, विक्रम विश्वविद्यालय में इतिहास में रहे थे, और इनकी भी शैली वही थी, और बोली बोली जो थी सबका लगभग खड़ी बोली थी, उर्दू फारसी थी याद रख लेना, और सबकी शैली भी लगभग वर्णात्मक विजनात्मक और भावात्मक थी। विश्व के साहित्य रूप की रेखा, साहित्य और कला, इसका जीवन मतलब इनका रचना याद कर लीजिए, खून और छुकीटे, इतिहास के पन्नों पर, ये जरूर याद कर लीजिए, ठूठा आम, ये भी याद कर लेना है, ये हमारे गद्य के रहे। अब चलते हैं पद्य पर, तो पद्य पर हमारा आता है काव्य में, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इसमें है, जरूर लर्न करना है,
सूरदास पहले आते हैं, इनका जीवन परिचय देखते हैं। तो ये रुनकता और सिंह पारसोली में भक्ति काल के सगुर धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के कहे जाते हैं बल्वाचार के शिष्य थे, अष्टछाप सर्वश्रेष्ठ कवि थे। और ये कृष्ण के बाल जीवन का मनोरम वर्णन, गोपी प्रेम, कृष्ण लीलाओं का वर्णन, विषाद वर्णन, श्रृंगार और असर आदि कवि अद्वितीय कवि थे। इनके सबके भाषा ब्रज भाषा का उपयोग करते थे। और इनकी प्रमुख रचनाएं सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी तीनों इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। इसके बाद आते हैं तुलसीदास। तुलसीदास का जन्म हमारा 32 से 23 के बीच में राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में, भक्ति काल और सगुर धारा के थे, यानी राम भक्ति शाखा के थे। पिता इनके आत्माराम दुबे, माता होलसी थी। और इनके मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण ये परित्यक्त और नरहरदास द्वारा पालित, और पत्नी रत्नावली इनकी थी। और श्री राम भक्त के शक्तिशील और उनके सौंदर्य का वर्णन किया गया है इनको श्री राम के, और अवधि और ब्रजभाषा का प्रयोग इसने भी किया है। साथ ही साथ श्री रामचरित मानस, विनय पद के, कवितावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल आदि 12 रचनाएं इन्होंने लिखी थी। रामलला नाहछू इस तरीके से बहुत सारी हैं। उसके बाद रसखान आते हैं। इनका नाम सैयद इब्राहिम था और 1558 से 1618 दिल्ली में रीतकाल के कृष्ण सगुर के धारा के कवि थे और गोसाई विठलनाथ के शिष्य थे। कृष्ण सगुर के रूप में उपासक, सखाभाव की कृष्ण और इन्हें कृष्ण की सखाभाव की लीला का वर्णन किया है। इन्होंने सरस भाषा का प्रयोग किया है। सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका दो ही इनकी फेमस रचना है, रसखान की बहुत ही। फिर आ जाते हैं बिहारी। वसुपुर गोविंद में इनका जन्म हुआ था और 1603 से 1663 तक, और पिता इनके केशव राय थे और राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। श्रृंगार के संयोग में दोनों पक्षों में नायिका का नक्श को वर्णन करते थे और बहुत ही नक्श लेकर सिख तक वर्णन करते थे बिहारी की। और इनको 6 श्रुतियों का वर्णन छोटे से दोहा छंदों में विस्तृत अर्थ लगाकर गागर में सागर भरते थे, यानी गागर का सागर भरने वाले कवि कहे जाते थे। बड़े भाषा साहित्य का प्रयोग किया थे बिहारी ससई, इसमें नीति श्रृंगार और भक्त के दोहे, बिहारी ससई इनकी फेमस रचना है, जरूर याद कर लीजिएगा। इसके बाद आ जाता है इनका सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत जो उनका 1900 से 1977 के बीच इनका जन्म हुआ और कसौनी अल्मोड़ा उत्तराखंड में आधुनिक काल के छायावादी कवि के मतलब युग के कवि थे। और इसके बाद पिता इनके गंगा दत्त थे, असहयोग आंदोलन भाग लिए थे। प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में चित्रण, सौंदर्य प्रेम का चित्रण एक कर प्रकृति सुकुमार सुमित्रा नंदन पंत, सौंदर्य के प्रेम सुमित्रा नंदन पंत पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अलंकृत और चित्रमय खड़ी बोली थी इनकी भी। और बीड़ा ग्रंथ पल्लव, गुंजन और चितंबरा और उसके बाद युगवाड़ी युगांत, ये फेमस है बहुत बार, जरूर सुमित्रा नंदन पंत को याद कर लीजिए, आपके पेपर में आने वाला है अगली बार। महादेवी वर्मा की बात करें तो ये 1907 से 87 में फरुखाबाद आधुनिक काल छावदी के युग के थे, ये चतुष्ठाई थे उनमें से सब हैं। और श्री गोविंद साहब वर्मा और हेमरानी पति स्वरूप नारायण थे, उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य भी रहे थे। और इन्होंने वेदना का मार्मिक और वेद की सरस गीतों की रचना की थी। संस्कृत मतलब परिष्कृत खड़ी बोली इनकी भी थी, यमा दीप शिखा और नीरजा रश्मि निहार, ये बहुत ही फेमस और सांद गीत के साथ ही फेमस इनकी रचनाएं थी। राम नरेश त्रिपाठी जी की अगर चर्चा करें तो साहित्यकार, स्वतंत्र सेनानी थे और उनका जन्म 89 से 62 बीच में का आपका कोराईपुर जौनपुर में आधुनिक काल प्रगतवादी के युग के कवि थे। और इनकी बोली खड़ी भाषा वही थी, आपका पथिक मिलन स्वप्न मानसी और सामने पथिक और मिलन दोनों याद कर लीजिए बहुत। माखन चतुर्वेदी जी आ जाते हैं इसके बाद, तो इनकी रचना जो है इनकी रचना पहले तो इनको देखते हैं 89 से 68 के बीच में, बावई होशंगाबाद मध्य प्रदेश में आधुनिक काल प्रगतवादी के कवि थे। और पिता इनके नंदलाल चतुर्वेदी थे, राष्ट्रीय आंदोलन में भाग और पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त किए और फारसी और खड़ी बोली का प्रयोग किए। हिम तरंगिणी इनको याद कर लीजिएगा बहुत बार पूछा, और समर्पण बेमिल के गूंजे धारा, हिम तरंगिणी याद करना है। सुभद्रा कुमारी पहुंच चौहान जो थे 1904 से लेकर 1948 निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, और ये भी प्रगतवादी युग के कवि थे। और इनकी कवि जो थे मतलब इनके पिता जो थे रामनाथ सिंह, के पति जो थे इनके ठाकुर लक्ष्मण सिंह थे, असहयोग आंदोलन में इनमें भी भाग लिया था। देश प्रेम और असर प्रेम की वजह से इनमें वासर रस की प्रधानता इनकी में रचना को मिलता और से करिए पुरस्कार मिला। और खड़ी बोली इनकी भी थी, मुगुल और चित्रारा चित्तधारा ओ सॉरी त्रिधारा इनकी रचना, दो ही रचना मुकुल और चित्रिधारा बहुत ही फेमस है। मैथिली शरण गुप्त अगलाते हैं और इनके पिता से सेठ रामचरण गुप्त थे, इनका जन्म 86 से 64 में हुआ था 18। और चिरगांव झांसी में आधुनिक काल द्विवेदी युग के कहे जाते हैं। और खड़ी बोली इनकी थी, साकेत रंग में भंग यशोधरा, पंचवटी और जय भारत जयव्रत भारत भारती द्वापर, सभी रचनाएं फेमस है, याद कर लीजिए मैथिली शरण गुप्त की। उसके बाद आते हैं अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी जो है 41 में इनका जन्म हुआ और मृत्यु का कोई पता
पता नहीं है, आधुनिक काल के कवि हैं। तो ये भी बी ए सेंट स्टीफेंस कॉलेज के एमए और इस सब का हुआ था। ये बहुत कम पूछी जाएंगी, फिर भी उनकी रचना जो अगर देखना चाहें तो आप समय के पास समय और इसमें एक पतंग अनंत, इसको रचना के लिए खरीद सकते। श्याम नारायण पांडे जो जी जो है 7 से 91 के बीच, डुमरा आजमगढ़ आधुनिक काल के कवि हैं। काशी साहित्य चार पद और हल्दी घाटी देव पुरस्कार उनको मिला। खड़ी बोली भी हल्दी घाटी का और जौहर तुमुल तुमुल इन्होंने लिखा है, जय हनुमान। इतनी रचनाएं इनकी थी, सबकी मैंने रचनाएं एकदम यहाँ पर दे। अब रही बात इनको सर बोले कि बहुत सर बहुत फास्ट बताए, तो इनका आपको पीडीएफ चाहिए ना, इनका पीडीएफ जितने भी मैं हिंदी का सबको डाल रहा हूँ सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है, जरूर ज्वाइन करिए। वहां पर भेज देंगे, ना भेजे ना तो आप कमेंट कर दीजिएगा वहां पर कि सर भेज दीजिए, मैं वहां पर भेज दूंगा सभी चीजें। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप नंबर, सभी चीजें आपको मिल जाता है, तो आप टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, आपको फायदा ही रहेगा। तो कोई भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैंने यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर दिया। 20 अंक का और मार दोनों, इसका दूसरा पार्ट जो मतलब पहला पार्ट जो था आपका यानी ग्रामर वाला पार्ट, पक्का 10 अंक पाएंगे, पक्का 10 अंक पाएंगे। ये मतलब आप पढ़े नहीं है, पक्का 10 अंक पाएंगे। पर वो इन स्क्रीन पर वीडियो जो दिख रही है ना, इस वीडियो को जरूर देख लीजिए, अभी इन स्क्रीन पर आपको दिख रही है, उसमें लिखा रहेगा कि आपका ओ मार्कशीट, तो वही आपका थंबनेल थोड़ा सा चेंज होगा, देख लीजिएगा, पक्का आपको बहुत ही प्रॉफिट होने वाला है। तो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, मेरे चैनल पर स्टे रहना है और कमेंट और शेयर सब कुछ कर देना है। आगे मिलते हैं, तो मेरे सेकंड चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए जो कि मास्टर मोबाइल टेक चैनल का नाम है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए उसको भी।